ये है दिल्ली दर्पण। चुनाव हो रहा है जब हो रहा है जी, बीच में तो काम ऐसे ही था बस। भाजपा है निगम पार्षद है ना, काम तो नहीं करते। यदि ऐसे काम होते तो क्या फायदा सीट पे बैठने का। नमस्कार, मैं हूं अविनाश चौधरी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। माहौल क्या है सीरीज के तहत आज हम पहुंचे हैं बुद्ध विहार के वार्ड नंबर 27 से, जहां से कि भाजपा की निगम पार्षद हैं गायत्री हेमराज। हम यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अब अपने निगम पार्षद से यहां की जनता कितना खुश है और क्या क्या यहां की समस्याएं हैं और कितना यहां का हुआ विकास, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई होती है, सफाई कर्मचारी आते हैं भाई? सफाई तो खूब हो रही है दबादम। केसरीवाल काम खूब अच्छी तरह कर रहा है चारों तरफ ने, क्योंकि आपकी निगम पार्षद जो है वो भाजपा से हैं। हाँ, भाजपा तो है, निगम पार्षद है ना, काम नहीं करते। क्यों, नाली नोड़ी देख लो कैसी पड़ी है। इतना खुश है निगम पार्षद से? बेकार, बीजेपी के तक बेकार। आपके बीच में आती जाती है निगम पार्षद जो है आपकी? नहीं नहीं आती। इन सब समस्याओं पे जो ये आपके यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि समस्या बहुत सारी बनी है यहाँ पे, रोडों की समस्या है, कूड़े कचरे का ढेर लगा है, तो फिर इन सब समस्या को लेकर निगम पार्षद के पास नहीं गए? निगम पार्षद खुद बात नहीं करती जल्दी से। अच्छा। हाँ, कोई काम नहीं करती। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ आपके वार्ड से कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिख रही है? केजरीवाल की आएगी। केजरीवाल ही आएगी। चुनाव से अब जो चुनाव का हो रहा है जब हो रहा है जी, बीच में तो काम ऐसे ही था बस। इनको फिर से मौका देना चाहिए या किसी और को आना चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो बीजेपी उसको आना चाहिए, केजरीवाल को। बिल्कुल, वो काम सही कर रहा है। नाली कभी जिंदगी में साफ नहीं होती, कूड़े की गाड़ी 10 दिन में 1 दिन आती है, हमारे गेट नहीं है, बता क्या करे। ये नाली साफ करने के लिए नहीं आते लोग, जो इनसे मतलब कंप्लेंट करो ना, जब जाके बड़ी मुश्किल से मतलब 10 दिन में 1 दिन आते हैं, नहीं तो आते ही नहीं है जल्दी से। और ये देखो मतलब गलियों में कूड़ा हो जाता है, अपने आप सफाई कर लो, नहीं तो कूड़े को भी नहीं उठा के ले जाते, जैसे निकाल कर रख देते हैं नालियों में, नालियों का कूड़ा उसको लेके नहीं जाते हैं। तो जैसे वहाँ करते हैं सफाई, ऐसे यहाँ भी करनी चाहिए ना, गलियों में भी नाली वगैरह के लिए जमादार लगना चाहिए ना। तो देखो कोई भी पार्टी आए पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब लगना चाहिए उसमें। ये जो आप बता रहे हैं समस्या, इन सब समस्याओं को लेकर निगम पार्षद के पास नहीं गए आप? ऐसा है, हमने 1-2 बार कंप्लेन भी करी है, फ़ोन भी करा है, मतलब लाइट वगैरह तो हो गई सही, लेकिन ये नहीं मतलब ये काम के लिए। अब जब तो उस टाइम आ जाते हैं फिर छुट्टी हो जाती है, फिर नहीं आते। निगम पार्षद से कितना खुश हैं अपने? देखो ऐसा है कि कोई भी पार्टी आए, पार्टी तो देखो मतलब अपने अपने काम सही करती होगी अपने हिसाब से, लेकिन अब हमें हो सकता है हमारा नज़रिया अलग है तो हमें नहीं अच्छी लगती हो सकता है। आपका नज़रिया क्या, आपके ही जब काम नहीं होगा तो फिर नज़रिया क्या उसमें? हाँ, देखो काम होना चाहिए, होना चाहिए। देखो रोड खोद के डाल दें, अभी पीछे बारी उसमें अभी मतलब सिवन नहीं पड़े हमारी में, पीछे बारी गली में भी अब वो कम से कम 6 महीने हो गए, 6 महीने से मतलब काम बंद कर रखा सिवर का यहाँ का, तो यहाँ पड़ गए, पीछे वाली गली में पढ़ने चाहिए ना, सब में पड़ गए तो हमारी में पढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं पड़े हमारे। तो क्या चाहती हैं कि इस बार किसी और को आना चाहिए या उन्हीं को? भाई सबको मौका देना चाहिए, हम तो यही जानते हैं, सबको मौका देना चाहिए, हो सकता है कोई दूसरा अच्छा काम करवाए, बढ़िया काम करवाए, तो देना चाहिए मौका, तो देना चाहिए। यह काम इतना कर रहे हैं, नाली भी हमारी भरी पड़ी रहे, नाली टूटी भी पड़ी है, भरी भी पड़ी है, और ये देखो यहाँ ये आपने भी दिखाई दे रहा है, ये गंद खाना पड़ा, वो गंद खाना पड़ा, ऐसे दूर तक गंद खाना पड़ा, ये देख लो। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? और क्या समस्या भैया? नालियों की तो ये समस्या है, नाली टूटी भी पड़ी है, पानी भी रुका पड़ा रहा है इनमें। तो ये सब जो आप बता रही हैं ये सब समस्या, तो इसको लेकर निगम पार्षद के पास नहीं है? कई बार भैया लिखवा के भी आते हैं कंप्लेंट, हाँ भैया नाली साफ करवाओ, आएंगे थोड़ी बहुत कर जाएंगे, भाग जाएंगे, गिर कर निकाल कर ऐसे पड़ा रहता है। समस्या 10 दिन कूड़ा निकला पड़ा है, कूड़ा नहीं उठाया यहाँ से, नालियाँ इतनी गहरी भरी पड़ी, गहरी बनी हुई हैं, भरी पड़ी हैं, कोई साफ करने वाला नहीं। सफाई कर्मचारी समय पर आते हैं? 10 बार फोन करो तब कहीं आते हैं, 1 बार कहने पर तो आते भी नहीं है। कोई सफाई वो दिख रही है आपको? सफाई तो आपको दिख ही रही है भैया, जब 10 बार फोन करते तब आते नहीं, तो कोई अपने आप से देखने नहीं आता कि गली भर रही है, कूड़ा है, क्या है, कोई नहीं आता भैया। निगम पार्षद आपकी कितना काम करवाएंगे?
भैया उनका फर्ज है, जब वो अपनी सीट पे बैठे हैं तो उनको करवाना चाहिए सारे काम, देखना चाहिए कि क्योंकि ये सब जो आपकी समस्या जब इलेक्शन है तब तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं तो बिना इलेक्शन के तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ये सड़कों और नाली नालों की समस्याएं ये निगम पार्षद की है, बता रहे हैं सफाई हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं रही है, हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं। निगम पार्षद के बारे में क्या कहना चाहती है भैया, यदि ऐसे काम होते तो क्या फायदा सीट पे बैठने का। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे हम बात किए लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं होती, ना ही यहाँ पे कोई कर्मचारी आते हैं सफाई, और इनका कहना है कि ये निगम पार्षद जो है कई बार इनके पास जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे लोग आते हैं सफाई के लिए या फिर जो भी समस्या, और यहाँ पे और भी बहुत सारी समस्याएं बनी हैं लोगों की, सबकी अपनी अपनी राय है, कहना है कि इस बार एमसीडी में जो काम करेगा उसी को आना चाहिए। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर